सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए, और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DRB न्यूज पर। मैं राहुल पांडे। कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ने में वैक्सीनेशन एक कारगर हथियार जो है साबित हो रहा है। इसको लेकर काम भी जो है तेज गति से आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो जानकारी सामने मिल रही है उसके मुताबिक एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन जो है पूरे भारत में हुआ है। जानकारी के अनुसार पहली बार एक दिन में 88 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगा है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोमवार को रिकॉर्ड संख्या में लोगों का टीका लगाया गया। पहली बार देश में एक दिन में 88 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत ने कल एक दिन में 88 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस वैक्सीन की डोज लगाकर एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। अब तक कुल 55,47,30,000 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार टीकाकरण की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यूपी में अब तक सबसे ज़्यादा 5.98 करोड़ टीके गए हैं। इसके बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है, जहां 5 करोड़ टीके दिए जा चुके हैं। महाराष्ट्र ही अब तक एकमात्र राज्य है जहां 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक दी गई है। बाकी किसी राज्य में अब तक 1 करोड़ लोगों को दोनों डोज नहीं मिली है। यूपी ऐसा राज्य है जहां वैक्सीन की सबसे ज़्यादा डोज दी गई है, लेकिन आबादी के हिसाब से देखें तो यूपी सबसे पीछे है। यहां सबसे कम 31% आबादी को ही सिंगल डोज टीका लगा है। यूपी से ज़्यादा पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र की आबादी को टीका लगा है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा 77% वयस्क आबादी को सिंगल डोज टीके लग चुके हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर में 66%, उत्तराखंड में 64%, गुजरात में 60%, मध्य प्रदेश में 55%, कर्नाटक में 54%, केरल में 54%, राजस्थान में 52% और छत्तीसगढ़ में 50% आबादी को टीका लगा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए DRB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।